हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की सीरीज में हम 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे थे अपना, और आज हम कुछ अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ 25-30 क्वेश्चन को हम देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल। उस पर मैं प्रीलिम्स की सीरीज जो चला रहा हूँ उसकी भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें मैं आपको दिखाता हूं अगर, तो ये देखो, ये पूरा इसके सॉल्यूशन भी है, डिटेल एनालिसिस है ये पूरा इसका, ठीक है? तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो करंट की मैगजीन है वो भी आपको मिल जाएगी, उसके भी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए आज का अपना जो ये वाला फर्स्ट, मतलब आज का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। भारत का पूर्वी तट यानी कि ये जो गया, ये देखिए इंडिया, ये वाला तट हो गया पूर्वी तट। पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, ठीक है? इसका आंसर है चिल्का झील। अब ये चिल्का झील क्या है, एक खारे पानी की लैगून है ये, ठीक है? और ये भारत के जो पूर्वी तट है, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, उसमें पुरी, खुर्दा और गंजम जिले में ये फैली हुई है। और इस नदी के मुहाने पर, यहाँ पे देखिए नदी के मुहाने पर ये बंगाल की खाड़ी में बहती है और लगभग 1100 किलोमीटर का ये क्षेत्र जो है कवर करती है, ठीक है? इसके बाद कटलास एक्सप्रेस 2021, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, INS तलवार ने। देखिए जो भारतीय नौसेना का जहाज है ना तलवार, इसको अभ्यास कटलास 2021 में इसने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक, 6 अगस्त 2021 तक ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर इसका अभ्यास जो है किया जा रहा था, अफ्रीका के पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? अगर हम इसमें देखें, क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। यानी कि देखिए नाइट्रोजन एक आवश्यक है, नाइट्रोजन में इसमें क्या होता है, केवल प्रोटीन होते हैं इसमें मौजूद, है ना? और ये प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है, और नाइट्रोजन जो है केवल और केवल प्रोटीन में देखा जाता है, ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में ये अनुपस्थित होता है, इसकी उपस्थिति नहीं होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन है डी, ठीक है जी? इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संप्रभुता भी है, पंथनिरपेक्ष भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, संघीय नहीं है। कौन सा नहीं है? संघीय नहीं, इसका आंसर है संघीय। और एक इसमें जानने वाली चीज है, प्रस्तावना ही नहीं पूरे संविधान में संघीय शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है जी? ये इसमें समझने वाली चीज थी। इसके बाद है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? किसने किया था भैया इसका संकलन? जो है अमीर हसन सिज़दी ने किया था, अमीर हसन सिज़दी ने। देखिए फवाद अल फवाद जो है ना, एक मुस्लिम संत हुए हैं बहुत ही महान, और सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया की ये जीवनी है, ठीक है? और हजरत निजामुद्दीन जो है एक प्रख्यात सूफी संत हजरत बाबा फरीदगंज सकर आर के शिष्य थे, और ये जो बुक है सूफीवाद के चिश्ती आदेश के महान उपदेशक के जीवन शिक्षाओं का ये वर्णन करती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद है, आपने कई बार, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, कई बार देखा है, कई बार आईएएस में भी पूछता है कि स्टेटमेंट बना के, निम्नलिखित में से किस साल में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया था, आंख बंद करके 1986, ठीक है? कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, ठीक है? ये इसमें देखिए कई बार कंफ्यूज आते हैं बच्चे, नहीं है आर्थिक विकास का प्रमुख कारक, नहीं है नौकरशाही, नहीं, बाकी सब है। पूंजी का संचय और तकनीकी सुधार भी है, जनसंख्या में परिवर्तन भी है, विशेषकर क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन भी है, नौकरशाही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है, किसके घनत्व मापन में होता है? यह रिंगेलमैन स्केल, थोड़ा इसकी डिटेल समझ लेते हैं पहले हम। देखिए ये जो है ना रिंगेलमैन स्केल, ये धुएं के जो साफ सुथरा घनत्व, स्पष्ट घनत्व है उसको मापने का एक पैमाना है, यानी कि इसका आंसर तो हो गया ए, ठीक है? और इसे जो है ना पेरिस में लॉ स्टेशन, डीसीएस डी मशीन्स के
इंजीनियरिंग मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन के फ्रांसीसी प्रोफेसर द्वारा इसे डेवलप किया गया था। इन्होंने पहली बार 88 में इस पैमाने को निर्दिष्ट किया। तो इसका आंसर हो गया रिंगेलमैन स्केल जब भी आएगा वो धुएं से संबंधित है। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकूम सत्याग्रह, अब ये वायकूम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा सही है? ठीक है, अब वायकूम सत्याग्रह क्या था अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो गांधी जी और चटम्पी स्वामीकल स्वामीकल और श्री नारायण गुरु, इन्होंने एक आंदोलन इसका समर्थ आंदोलन में समर्थन किया था वायकूम सत्याग्रह में। और ये वायकूम सत्याग्रह जो था केरल में, जो आधुनिक केरल है मॉडर्न केरल है, उसके त्रावणकोर में एक दलित वर्गों के मंदिर में प्रवेश के लिए एक आंदोलन था ये वायकूम सत्याग्रह। 1924 से 25 के दौरान केरल के कोट्टायम जिले के वायकूम में शिव मंदिर के पास ये हुआ था। और वायकूम जो है उस समय त्रावणकोर रियासत का एक हिस्सा था। तो इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही बात है ये। महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था, हाँ जी लिया था बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन हो गया सी आंसर। इसके बाद है शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि, क्योंकि क्या है इसका आंसर? श्वसन दर का ह्रास होना। ठीक है जी, क्योंकि इसमें क्या होता है फलों में कोशिकीय श्वसन दर काफी घट जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। फिर सामाजिक विकास की तीन अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? ये कहता है मेरे ख्याल से अगस्त कामटे, 71 अगस्त कामटे ही है इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा इसकी डिटेल जान लेते हैं। देखिए अगस्त कामटे ने जो तीन चरणों का नियम अपने काम द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी में डेवलप किया, एक विचार है ये। इसमें क्या गया, कहा गया था समग्र रूप से समाज और प्रत्येक विशेष विज्ञान मानसिक रूप से तीन चरणों के माध्यम से डेवलप होता है। वो तीन चरण कौन कौन से हैं? पहला है धार्मिक, दूसरा है आध्यात्मिक और तीसरा है सकारात्मक। ठीक है, कौन कौन से हैं? धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक। ठीक है जी, ये चीज हो गई इसमें। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, एक सेकेंड इधर थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, एक सेकेंड। हाँ जी, ये रहा 72। किस कण पर शून्य आवेश होता है? किस कण पर होता है शून्य आवेश? न्यूट्रिनो पर। शून्य आवेश हमेशा न्यूट्रिनो होता है क्योंकि न्यूट्रिनो जो है उपपरमाणु कण होते हैं, इनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता और द्रव्यमान भी इसमें निगेटिव होता है, नगण्य होता है, इसे जो है शून्य माना जाता है और न्यूट्रॉन से छोटा एक तटस्थ कण है। ठीक है, फरवरी 2021 में नागोजी ओंकोजा इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला किस राष्ट्र से है? किस राष्ट्र से है महिला? नाइजीरिया से। देखिए नाइजीरिया में पूर्व वित्त मंत्री नागोजी ओंकोजा ज्वेला ये विश्व व्यापार संगठन के नए महानिदेशक के रूप में उभरे थे और विश्व व्यापार संगठन की जो पहली महिला और पहली अफ्रीका महानिदेशक भी हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ये केंद्रीय शिष्यवाणी के अनुसंधान झांसी है, ये बांदा नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय शिष्यवाणी के अनुसंधान केंद्र नैरोबी में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में है। ठीक है जी, अब ये आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स जब पढ़ते होता, पॉवर्टी एंड अनइम्पटेड रूल इन इंडिया, किसकी है ये? दादा भाई नारोजी, और 1901 में इन्होंने प्रकाशित की थी ये, दादा भाई नारोजी। ठीक है, इन्होंने ड्रेन थ्योरी, धन का बहिर्गमन, ये सारी थ्योरी दी थी। धन का बहिर्गमन मीन्स ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे ही से ही पैसा लूटते थे, इंडियंस से ही पैसा लूटते थे, उससे कंपनी लगाई, उससे उद्योग लगाए, उसमें इंडियंस को काम में लगाया, काम लगाने के बाद उनका ही पैसा उन्हें बांट के प्रॉफिट जो है अपने इंग्लैंड भेज देते थे। ठीक है, ये धन का बहिर्गमन था। दादा भाई नौरोजी ने इस चीज को समझाया और 1901 में ये बुक प्रकाशित की, एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था भैया? कौन था इसमें? श्री केसी नियोगी। देखिए वित्त आयोग जो है ना ये आर्टिकल 280 है, आर्टिकल 280 वित्त आयोग, और वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी और 1952 से 57 की अवधि के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था केसी नियोगी को। ठीक है, इसके बाद है खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है? परासरण के कारण। किसके कारण निकलता है भैया पानी? परासरण के कारण निकलता है। कौन सा रामसर स्थल जो है यूपी में स्थित नहीं है? यूपी में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है? सुरिंसर मानसर झीलें, ये होगा इसका आंसर।
आप लोग कमेंट में बताते रहा करो, अगर मेरी कोई गलती हो जाया करे ना, पहली बात तो मैं सारा कुछ एनालिसिस करके बढ़िया तरीके से आपको इसके आंसर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर कभी गलती हो जाया करे तो आप कमेंट में बता दिया करें कि ये गलती हुई है, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और जो भी क्वेरी हो आपकी या लेक्चर में आप जो भी अपडेट चाहते हो उसके लिए आप जो है बता दिया करें कमेंट में या मेल करके, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ। ठीक है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है कौन सा है भैया? फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई। अब क्या इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए एल्वियोली जो है ना, इसे एल्वियोली कहते हैं, अल्वियोलाई कहते हैं, ये जो है ना गैसों के श्वसन विनिमय का स्थल है, ये स्थान है, और वायु कोशिकीय, वायु से ऑक्सीजन और उपकला और केशिका एंडोथेलियम के माध्यम से ये केशिका रक्त में फैलती है, कोशिका रक्त में फैलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के विपरीत ये दिशा में फैलती है। ठीक है, कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं ग्रामीण समुदाय का तत्व? सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, बाकी हम की भावना, क्षेत्र और आत्मनिर्भरता, ये जो है ग्रामीण समुदाय के तत्व हैं। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा बनाया जाता है मोरेसी कुल के पौधों से। ठीक है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की बात है ये। मोरेसी परिवार के पेड़ों का जो यूज है ना, वो एशिया में छाल के कपड़े का प्रोडक्शन करने के लिए किया गया, और जो प्रजाति है ब्रोसोनेटिया पपरीफेरा या पेपर शहतूत के बाद प्रशांत द्वीपों में लाया गया था, और स्पेशली पॉलिनेशिया जहाँ चित्रित छाल के कपड़े की कला विकसित हुई, डेवलप हुई, समोआ में सियापो या ताहती में आहू के रूप में जाना जाता है, इन्हें वर्तमान शब्द में हवाई शब्द से ये लिया गया है। ठीक है जी, इसके बाद है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया, प्रदान किया? किसने किया? इसका आंसर होगा, ऑप्शन दे लेते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1858, 92, 1909। तो इसका आंसर है भैया 1861, बहुत ही चर्चित है ये। डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम कभी, ये अधिनियम भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग बताएं अगर कमेंट में आपको ये अधिनियम चाहिए, इनकी पूरी डिटेल चाहिए, तो मैं कवर कर सकता हूँ इन सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से कवर करूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद है स्टेटमेंट है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, निर्भर तो है ये, वाली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी मेरे ख्याल से। दूसरा देख लेते हैं, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है? मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, ए गलत आर सत्य, यही है इसका आंसर 83 का डी। बाकी हम पूरा डिटेल उसमें जो इसकी सॉल्यूशन है उसमें हम चेक कर सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं, मैंने इसमें नीचे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और उसका डिटेल नीचे सॉल्यूशन है, आंसर्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 21-22 में शामिल की गई हैं? कौन सी योजनाएं की गई हैं 21-22 में शामिल? एक तो इसमें आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की गई है शामिल, दूसरी मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, और तीसरी मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये भी इसमें शामिल की गई है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? ये वाला देखिए, बूढ़ा घांग प्रपात कांची नदी, ये सही सुमेलित नहीं है। हुंडरू प्रपात सुवर्णरेखा नदी पर है, चचाई प्रपात भीहड़ नदी पर है, और धुआंधार प्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। ये बूढ़ा घाग प्रपात ये जो है ना, ये आपको मिलेगा झारखंड राज्य में लातेहार जिले के दक्षिण डिवीजन के पलामू टाइगर रिजर्व के मध्य जंगल में एक झरना है ये। ठीक है, और झारखंड में सबसे ऊंचा झरना है, और भारत का ये 21वां, भारत का ये 21वां ऊंचा झरना है, और ये बुरहा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बुरहा नदी पर। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं वाले बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चन को, टफ भी यही बना देते हैं क्वेश्चन, और कहीं कहीं पे इजी भी कर देते हैं ये। सीधे दिख रहा है दूध लैक्टिक एसिड, क्या दिया हुआ है? नाइट्रिक अम्ल, गलत हो गया।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये सही सुमेलित नहीं है भैया, ये लैक्टिक एसिड आता है। सिरका एसिटिक अम्ल बिल्कुल सही है। हड्डियों में उपस्थित हुई कैल्शियम ठीक है। आमाशय रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ओके ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन 87। 87 क्या है? ये सूची दी गई है ने सुमेलित करना है। माउंट रेनर, ये ज्वालामुखी पर्वत, माउंट एटना ठीक है, और फिर है माउंट पेरिकुटीन, माउंट एपो, यही होगा माउंट पेरिकुटीन माउंट एपो ये है। तो इसका आंसर होगा भैया ऑप्शन बी। देखिए माउंट रेनियर जो है, माउंट रेनियर है यूएसए में, यहाँ पे है माउंट रेनियर ठीक है। इसके बाद आता है आपका माउंट एटना। माउंट एटना कहाँ पर है? इटली में है। कहाँ पर माउंट एटना? इटली में, माउंट एटना ये इटली में है ठीक है। इसके बाद आता है माउंट पेरिकुटीन। माउंट पेरिकुटीन कहाँ पर है? मैक्सिको में। माउंट पेरिकुटीन ये रहा मैक्सिको में ठीक है, और माउंट रेनर यूएसए में। माउंट रेनर जो है यूएसए में है ठीक है। और बचा माउंट एपा या एपो, ये फिलीपींस में है। माउंट एपो फिलीपींस में है, तो ऑप्शन इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? ब्यूटेन। सीधे कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये, ब्यूटेन ठीक है। कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? अब गंगा नदी बेसिन कौन सा है? आप लोगों ने पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी ठीक है। नहीं पढ़ी है, नहीं पता गंगा नदी बेसिन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसकी उसके ऊपर डिटेल वीडियो कवर करूंगा ठीक है। आप ये बताएं मुझे गंगा नदी बेसिन का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है जोंक नदी। अब देखिए ये जो जोंक नदी है ना, ये महानदी की एक सहायक नदी है ये ठीक है। ये उड़ीसा राज्य के नुआपाड़ा जिले और बरगढ़ जिले से लगभग 210 किलोमीटर तक बहती है, और भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में महासमुंद जिला और रायपुर जिलों से होकर बहती है। ये जो नदी है सुनबेड़ा पठार से स्टार्ट होती है और मारगुड़ा घाटी में ये प्रवेश करती है, जहाँ यह पटोरा गांव के पास गैदस नाला नामक धारा से जुड़ जाती है, और बेनीदास नदी घाटी में प्रवेश करने से पहले एक खरालदा में गिरती है, और यह महानदी से शेरवी नारायण में मिलती है। ये कितनी सारी डिटेल्स के बारे में बता दिया हमने, महानदी से कहाँ मिलती है? शेरवी नारायण में। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, किसमें किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। अब ये हमने 30 क्वेश्चन आज पीसीएस 2021 के जो 21 में पेपर हुआ था उसके डिस्कस किए हैं ये ठीक है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन ये नीचे दिया हुआ है पूरा, आप डिटेल में इसको देख सकते हैं ठीक है। ये पूरा ये रहा, आज हमारे 61 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए ना, तो यहाँ से आप पूरा इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं ठीक है। माउंट रेनियर यूएसए, माउंट एटना इटली, तो ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। सो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।